नमस्कार। इस समय मैं NH 31 और रेलवे लाइन के बीच का जो एक एरिया बनता है बेगूसराय में, उसमें सिर्फ भूमिहीन लोग आकर के बसे हुए हैं, जिनको अपने रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर के, अपने मासूम सी जिंदगी को, अपनी मासूम से भविष्य को लेकर के वहीं पे रहते हैं, झुग्गी और झोपड़ी डाल करके। प्रशासन इस तरीके से बेखबर है, बेसुध पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे लोग नहीं, व्यक्ति नहीं, आदमी नहीं, भारत का नागरिक नहीं, वहाँ पे कोई जानवर रह रहा। आप जब दृश्य देखेंगे तो आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। हम बात करते हैं जब विकास की, तो क्या यही विकास है? और जब ये बात बेगूसराय के शहर की बात है, शहर के अंदर की बात है, यहाँ से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर बेगूसराय रेलवे स्टेशन है, 100-150 की दूरी पर सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों का कार्यालय भी अवस्थित है, किन्हीं को कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। तो आइए आपको हम ऐसे इलाके से रूबरू कराते हैं। वहाँ पर पूछिए, उधर पूछिए, सभी को पूछिए। इतना दिन से ची यहाँ कुछ नहीं ना ला, अरे यहाँ वीडियो में बोली अपना लिए सब पकड़िए, ऐसे सीधा पकड़िए, खाली दिखाइए ना, लोग यहाँ से देख रहे हैं ना। बोल भी यहाँ पुस्तून, अच्छा अच्छा बात अपने समझ भी की पूछो। मैं अभी बेगूसराय के ऐसे मोहल्ले में हूँ जहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं, और स्थिति क्या है यहाँ रहने की कि वो आपको मैं यहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। जिला प्रशासन, राजनीतिक दल, अधिकारी लोग, कहीं से भी कोई भी लोग इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे सड़े हुए नाले हैं इनके पीछे। देखिए कि कैसा सड़ा हुआ नाला के बीच में ये मोहल्ला है, और दूसरी तरफ आप देखें कि ये स्थिति है यहाँ के पौश इलाका में हम आए हुए हैं। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक राशन कार्ड है। बाकी बगल में रेलवे लाइन है, छोटे छोटे बच्चे लेकर के रहते हैं, डर तो लगा रहता होगा 24 घंटा। और दूसरे तरफ आपको पानी है, किनारे में पानी है, वो भी सड़ा हुआ पानी है। सड़ा हुआ पानी का पीने का मन नहीं कर रहा है, एकदम बाल बच्चा 24 घंटा बीमार रहता है। हाँ। कोई जिला प्रशासन से लोग नहीं आते? कोई नहीं। आइए, और भी लोग हैं, ये देखिए, ये इलाका है, पौश इलाका है। ये देखिए कैसे लोग रह रहे हैं, इनकी स्थिति कैसी है देख लीजिए, कैसे लोग रह रहे हैं घरों में। ये देखिए कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। यह है बेगूसराय का रेलवे लाइन और NH 31 के बीच का जगह है, जो छोटा सा जगह खाली है, उसमें हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, और दोनों ही तरफ मौत है और बीच में जिंदगी। कितना दिन से रह रहे हैं? ना तो बच्चे से रह नहीं है, कुछ लोग रह रहे हैं। ये देखिए रेलवे लाइन, रेलवे जा रही है, ट्रेन देख लीजिए, ट्रेन कैसे जा रही है। पल पल मौत और जिंदगी साथ साथ चल रहा है इन लोगों का। कुछ नहीं मिला है, कोई नहीं आया पूछने? वोटर कार्ड आया है? वोटर कार्ड। गैस सिलेंडर मिला? नहीं मिला है। ये लोग रहने का इनका इंतजाम है, सरकार थोड़ा सा भी नजर नहीं दे रही है, जबकि जिला में है। कितने दिनों से रह रहे हैं? अरे यार बाबू, जिंदगी बीत गया, सोर्स
सब मरला है जो आज के आन और बज के या बैठल छिया घर में जिंदगी बीत गेल अब तक कोनो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत हृदय विदारक दृश्य है यहाँ का। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रेलवे लाइन और एनएच के बीच में जा रहे हैं। देखिए किस तरह की स्थिति है इन लोगों की।